दोस्तों मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में पितृ दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी कि क्या उनके लक्षण होते हैं और उनके क्या उपाय यदि आप करेंगे तो आपको दोष से मुक्ति प्राप्त होगी दोस्तों कुंडली में दोष होने के कारण इंसान का जीवन कष्टों से भरा हो जाता है और वह सदा दुखी ही रहता है कुंडली में दोष आते ही जिंदगी में एकदम से परिवर्तन आ जाता है और इसका असर सबसे पहले मनुष्य की सेहत पर पड़ता है है दोस्तों कुंडली में यह दोष आने पर इंसान के जीवन में विपताएं आना शुरू हो जाती है अब यह हम जानते हैं कि पित्र दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं शास्त्रों के अनुसार अगर हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति ना मिले उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो दोष लगता है दोस्तों इसके अलावा हमारे किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद उनका विधि विधान से यदि अंतिम संस्कार ना किया जाए तो भी परिवार की कई पीढ़ियों को पितृदोष झेलना पड़ता है पितृदोष के अन्य क्या लक्षण हैं कुंडली के अनुसार देखा जाए तो सूर्य देव की युति यदि शनि देव से होती है तो वह दोष बनाती है इसके अलावा सूर्य देव की यदि युति राहु देव या फिर केतु देव से होती है तो भी वह दोष बनाती है बशर्ते कि दोनों ही ग्रह मारक होंगे तभी यह दोष बनेगा यदि शनि देव और सूर्य देव आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है यदि राहुदेवी योग कारक ग्रह है तो पितृदोष नहीं बनता है इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें पित्र दोष होने पर हमें संतान से दुख हमेशा मिलता है दंपति की यदि संतान नहीं होती है संतान उत्पत्ति होती है तो भी वह विकलांग हो जाता है विवाह में यदि देरी हो रही है आपके बच्चों की उनका करियर सेट नहीं हो रहा है घर में बार बार हानियों का सामना आपको करना पड़ता है धन हानि आपके जीवन में होती है लाख कोशिश आप करते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती है आपके व्यापार में बरकत नहीं होती है हर तरफ से आप, आपको तनाव का सामना करना पड़ता है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष अवश्य है दोस्तों इसके अलावा हमारे युवक युवतियों की शादी में यदि विवाह में विलंब होता है तो भी वह पितृदोष का कारण बन सकता है यदि आप लाख प्रयास कर रहे हैं आपकी एज हो गई है विवाह की लेकिन विवाह नहीं हो रहा है तो भी आपको कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए हो सकता है आपकी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जिसके कारण आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है के अलावा घर के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना या फिर घर के मुखिया का हमेशा बीमार रहना भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण माना जाता है दोस्तों और इसके अलावा यदि आपकी पीढ़ियों में पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है तो वह एक मुख्य कारण माना जाता है दोष का अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है हमारे जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है हमें किसी भी प्रकार की यदि कोई खुशी प्राप्त नहीं होती है हमारे जीवन में हम लाख प्रयास करते हैं लेकिन दुख है कि हमारे जीवन से जाता ही नहीं है तो आपको एक बार अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए हो सकता है आपके जीवन में पितृ दोष हो जिसके कारण आपको इन समस्याओं का सामना आपके जीवन में करना पड़ सकता है दोस्तों यदि आपकी कुंडली में दोष है यदि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए वह भी मैं आपको बता देती हूं चलिए आइए जानते हैं पितृदोष पित्र दोष से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है हर अमावश्य को आप मीठे का भोग बनाएं यह मीठा आप घर पर भी बना सकते हैं जैसे खीर बनाएं या फिर कोई मिठाई बनाएं उसका भोग लगाएं या फिर बाजार से लाकर भी आप मीठे का भोग अवश्य लगाएं हर अमावश्य को यदि या आप यह प्रक्रिया अपने जीवन में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में आप खुद महसूस करेंगे की हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है और हमारे दुखों का अंत हो रहा है दोस्तों और इसके अलावा कोई भी घर में यदि मांगलिक कार्य होता है तो पितरों को याद करना आप कभी भी ना भूले उनके नाम का राति जगह आप अवश्य जैसे जन्म उत्सव के समय या फिर किसी के विवाह के समय पितरों को याद करना बहुत अधिक जरूरी होता है अवश्य पूर्णिमा चतुर्दशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए लेकिन दान एक ऐसी चीज़ है कि हमें बिना कुंडली के विचार के कभी भी नहीं करना चाहिए अर्थात हमारे मारक ग्रहों का ही दान हमें हमेशा करना चाहिए कभी भी योग कारक ग्रह अर्थात आपकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उनका दान नहीं करना चाहिए दोस्तों इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान दें यदि आपके जीवन में परेशानी है तो दान आप करिए लेकिन सदा दान करा हुआ वह फलदायक नहीं होता है इस चीज़ का भी आप ध्यान रखे श्राद्ध करें आप हर साल श्राद्ध आते हैं आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है पितृ दोष भी खत्म होता है इसलिए आप अपने पूर्वज के नाम का श्राद्ध अवश्य करें श्राद्ध के दौरान काली चीजों का दान भी आप इस समय करें इसके अलावा भगवत गीता का पाठ करने से भी दोष खत्म होता है जिन लोगों को यह दोष लगता है वह हफ्ते में तीन बार अपने घर में भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा रोज भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है पंडितों के अनुसार रोजाना भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा आप घर में समय समय पर अपने हवन करवाएं उससे भी पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है हवन करवाने से पूर्वज शांत होते हैं और ये दोष खत्म होता है पूर्वजों की शांति के लिए करवाए जाने वाले हवन कई दिनों तक चलता है और जब यह हवन खत्म होता है तो पंडितों को भोजन कराना भी आवश्यक है अर्थात आप विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराए यथाशक्ति अनुसार हवन पूजा पाठ यदि अपने घर पर यदि आप करवाते रहेंगे तो पितृ दोष से आपको मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप मीठा जल उसमें चढ़ाएं और उसमें तेल के दीपक आप लगाएं और उसके बाद आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें इससे आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी इसके अलावा आप हाँ हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है हनुमान जी को अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं इसलिए आप दोष होने पर हनुमान जी का पाठ करें यदि हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें सुंदर कांड का पाठ करें इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी इसके अलावा शिव जी का रुद्रा अभिषेक करें माँ काली का पाठ करेंगे तो भी पितृदोष से मुक्ति हमें अवश्य प्राप्त होती है पित्र दोष को खत्म करने के लिए आप पक्षियों कुत्तों को भी खाना खिलाए अवश्य पक्षियों को खाना खिलाने से पूर्वज बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं करते हैं इसी तरह से कुत्ते को रोटी खिलाने से दोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप सूर्य भगवान को रोज सुबह अर्घ दे पित्र दोष होने पर हर सुबह रोज स्नान करके एक तांबे के लोटे में जल और फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देने से दोष से मुक्ति प्राप्त होती है इसके अलावा आप सूर्य देव और चंद्र देव के बीज मंत्रों का भी जाप करेंगे यथाशक्ति संभव तो भी पितृदोष से मुक्ति हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है यह मैंने आपको बहुत से उपाय बताए हैं इनमें से यदि आप एक या दो उपाय भी नियमित रूप से करते रहेंगे अपने जीवन में तो आपको किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके पूर्वज आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में पितृ दोष खत्म हो जाएगा दोस्तों यदि हमारे जीवन में परेशानी है तो हल भी उसका होता है यदि आप पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय अपनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आपको नहीं होगा आई होप आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकू और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक, तक के लिए थैंक यू एंड बाय